फॉर फ्री बिजनेस शिफ्ट मैं चाहता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप इससे कनेक्ट रहें और आपको फ्री टिप्स मिलते रहे मेरे प्रोग्राम्स के, और जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाए 10-30%, 30-80%। तो कनेक्ट रहिए मेरे पेज से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सेल्स क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, क्या है सेल्स? हाँ, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ही है। हर जगह हम सेल्स कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, फैमिली को कन्वेंस कर रहे हैं, आसपास के एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को। तो सेल्स एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, इसी को सेल्स कहते हैं। सेल्स का मतलब ये नहीं खाली माल ले जाके बेचो, कितने अच्छी तरह से तुम लोगों को कन्वेंस कर रहे हो वही सेल्स कहते हैं, बराबर है। सेल्स को एक और चीज़ कहा जाता है, सेल्स को आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। अगर इसको हम आर्ट कहते हैं, जो मैंने सीडी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपको कई बार, अगर ये कलाकारी है तो हर कलाकारी के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, बराबर है। अगर पेंटिंग एक कला है तो पेंटिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा। क्या इंस्ट्रूमेंट है पेंटिंग के लिए? ब्रश, ठीक है। अगर बैट बॉल खेलना, एक अच्छी बैटिंग करना एक कला है, तो उस बैट्समैन के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? उसका बैट रहेगा। बॉलिंग करना अगर कला है तो बॉलिंग के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? बॉलर के लिए बॉल उसका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, बराबर है। तबला बजाना एक कला है तो तबला बजाने वाले का इंस्ट्रूमेंट क्या है? तबला है। गिटार बजाने वाले का इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट सबका है। सेल्स भी एक कला है तो सेल्स इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्योंकि जितना ज्यादा हम इंस्ट्रूमेंट पे काम करेंगे उतना ज्यादा हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बॉलर क्या करता है बॉल स्विंग करने के लिए? वो लोग बॉल को खाते हैं, उसका शाइनी निकालते हैं, धागा काट देते हैं ताकि बॉल अच्छा घूमे हवा में, राइट। तो वो लोग काम कहाँ कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कर रहे हैं। तबला वाला जो होता है, इस पर तबले के इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, उसको चिकना करता है, थोड़ा रफ करता है बजाने के लिए। गिटार वाला तार टाइट कर रहा है, लूज कर रहा है। सेल्स का इंस्ट्रूमेंट क्या है? अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं पता रहेगा तो हम काम कहाँ करेंगे? सीढ़ी तुमने सबने देखा है, बहुत बार बताया। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? व्हाट इज आवर इंस्ट्रूमेंट? हाँ, वॉइस हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। और क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारा? बॉडी लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है। और हमारा चीज तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइंड। ये तीन चीजें हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें काम कहां करना है? एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए लीडर, एज ए सेल्समैन, हमें काम करना है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे, जो हम सुबह से देख रहे थे। हमें काम करना है हमारी वॉइस पे, वॉइस डिलीवरी किस तरह से जा रही है हमारी, राइट। पर्सन टू पर्सन चेंज होना चाहिए। अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, जोर जोर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ नैना जी से बात कर रहा हूँ तो इस तरह से चिल्लाऊंगा तो क्या चलेगा क्या यहाँ वहां पर? तो वहां पर टोनैलिटी चेंज हो जाएगी। चेंज होगी या नहीं होगी? तो वॉइस पे काम करना आना चाहिए। हर जगह पे एक फ्लो नहीं चलेगा अपना, बराबर है। दूसरा चीज आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जो हम सुबह थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो हमें कहां कहां काम करना है? बॉडी लैंग्वेज में ना। और बॉडी लैंग्वेज हमारी कहां कहां से निकल रही है? कहां कहां से आ रही है बॉडी लैंग्वेज हमारी? हर चीज बोल रही है हमारी। कपड़े बोल रहे हैं, मेरी घड़ी बोल रही है मेरी, राइट। ये दाढ़ी बोल रही है मेरी, क्लीन किया, शेव किया कि नहीं किया मैंने, हेयर स्टाइल बोल रहा है मेरा, बॉडी ऑर्डर बोल रहा है, हर एक चीज बोल रही है। तो इन चीजों को करना है नहीं करना है? बॉडी लैंग्वेज इस पे हमको काम करना है। और थर्ड चीज हमारा क्या है? माइंड। माइंड पे किस तरह से काम करोगे? माइंड पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? टू इंप्रूव, क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है ना वही तुमको रिजल्ट मिलेगा। तुम अंदर से जितने स्ट्रांग हो बाहर तुमको वही रिजल्ट मिलेगा। बाहर तुम कितनी भी तैयारी करके जाओ लेकिन अंदर से तुम अगर हारे हुए हो, थके हुए, तुमको लग रहा है मैं डील क्रैक करने जा रहा हूँ लेकिन ऑर्डर तो मिलने वाला नहीं है, तुम फेल होने वाले हो। तो तुम्हारे थॉट पैटर्न में जो चल रहा है वो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप भी अपने बिजनेस को 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, जी हाँ 40-400% ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है सफल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन कीजिए। 200 से ज्यादा कंपनी ऑलरेडी इस प्रोग्राम को कर चुकी है और उनके बिजनेस में 40-400% ग्रोथ हुआ है। आप भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, तुरंत हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी, आप हमारा 1 डे प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।